हमाद, आप किस तरह से देख रहे हैं एक तो इस फैसले को, क्या जो अभी गिवन द सर्कमस्टेंसेस यही एक ऑप्शन मौजूद है, और दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी को क्या ये एहतजाज भी करेगी या फिर सिर्फ ये बातों की हद तक है मामला? देखिए, पीपल्स पार्टी का ही दिया हुआ तोहफा है हमें, 1970 में भुट्टो साहब के ज़माने में दिया गया था, जब हमने देखा कि निजकारी का के बारे में बात किया, ये सॉरी नेशनलाइजेशन की बात की गई, और उस वक्त बाकी दुनिया में भी की जा रही थी, यूएस में भी की जा रही थी, वहाँ पर भी डैम्स एंड रोड कंस्ट्रक्शन जो है फेडरल गवर्नमेंट कर रही थी। इसी तरीके से हमने देखा लैटिन अमेरिका में भी, फिर हमने वेस्टर्न यूरोप में भी देखा, हेल्थ सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर को भी नेशनलाइज कर दिया गया। साथ ही साथ हमने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा तो वहाँ तो ये जो प्राइवेट सेक्टर है इसको बिल्कुल ही ख़त्म करने की बात की गई। लेकिन हमने ये देखा कि पूरी दुनिया को बहुत जल्दी ये बात समझ आ गई कि नेशनलाइजेशन से शायद मुल्क आगे नहीं चल सकेंगे, और जो हुकूमत है उसको अपने जो लिमिट्स हैं वो बहुत महदूद रखनी चाहिए काम करने तक। बहुत कम इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होना चाहिए, बाकी चीज़ों में उसका नहीं होना चाहिए। हमने देखा कि 1980s में ही रेनल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नारा लगाया वो ये था कि लेट्स जस्ट नॉट स्टैंड, अनडू समथिंग। तो अनडू करने से मुराद उनकी यही थी कि जो नेशनलाइज किए जा चुके इदारे हैं उनको वापस प्राइवेटाइज किया जाए और उस तरीके से आगे चला जाए। इंडिया में अगर आप देखें तो 91 तक उनकी जो पर कैपिटा इनकम थी वो हार्डली 1% ग्रोथ के ऊपर जा रहे थे। हम अगर अपने मुल्क की बात करें, PTCL को देखें, तो 50 साल में हम 3 मिलियन फोन लगा चुके हैं। फोन लगाना एक बहुत बड़ा काम, एक अपहिल टास्क हुआ करता था, इसके लिए बड़ी सिफारिशें ढूंढनी पड़ती थी। जब ये प्राइवेटाइज हो गया है तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्लियरली बहुत बेहतर हो चुकी है। तो मेरी सर से यहाँ तक तो मैं सर से एग्री करता हूँ, मेरे ख्याल से सर भी मेरे साथ एग्री करेंगे, लगारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसको शफाफ तरीके से करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि इसके अंदर कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं, करप्शन भी होती है, इस चीज़ को रोकना नहीं चाहिए। हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो चुका है इस वक्त, नागुजीर हो चुका है। अलीम खान साहब ने भी अपनी एक स्टेटमेंट में कहा है कि ये इस वक्त मुल्क की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अब अगर PIA की तरफ आ जाएं तो PIA के ऊपर देखिए, 500 बिलियन से ज़्यादा तक इनका डेफिसिट पहुंच गया है। इसकी जो पर एरोप्लेन प्रोपोर्शन है ह्यूमन रिसोर्स की वो बहुत ज़्यादा है। सिविल एविएशन में हमने देखा पीपल्स पार्टी अपने दौर में बहुत भर्तियां करती रही, और वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आज तक अपना हक लेने के लिए, अपनी उस एम्प्लॉयमेंट को बरकरार रखने के लिए अदालतों के धक्के खा रहे हैं, क्योंकि कानूनी लवाजमात को सामने नहीं रखा गया और नौकरियाँ जो हैं वो बहुत बेदर्दी से बांटी गई जहाँ नहीं भी बनती थी। इस वक्त भी अगर अब बात की जाती है टाइमलाइन की कि PIA की किस हद तक, कितनी जल्दी तक हम कर सकते हैं, तो एक मिसाल मैं दे दूं, जो हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स की प्राइवेटाइजेशन की गई थी वो एग्रीमेंट साइन होने के भी 2 साल बाद जाके कंप्लीट हुई। इस वक्त जो हम एम्बिशियस टाइमलाइंस देख रहे हैं हमारे मुल्क में, मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है कि पेशावर BRT का जो मंसूबा है वो 6 महीने में मुकम्मल किया जाना चाहिए था। ये एक टाइमलाइन सेट की गई थी जो कि प्रैक्टिकली नहीं थी। उसके बाद मैंने देखा वो 1.5 साल 2 साल तक चला गया। इसी तरीके से अभी भी अगर जो हम जल्दी दिखा रहे हैं उस तरफ नहीं जाना चाहिए। खास तौर पे अगर आप PIA को देखें तो इसके तो 30 से 35 लेंडर्स हैं जिनसे NOC की रिक्वायरमेंट होगी, जहां जिनके पैसे PIA ने देने हैं, जिनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा हमें पहले जी। तो इन कानूनी लवाजमात को पूरा करना चाहिए, करप्शन से इसको जिस हद तक महफूज बनाया जाना चाहिए उसकी तमाम इकदामात करने चाहिए, लेकिन शायद कोई दूसरा हल इस वक्त नहीं है हमारे पास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।